أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I am Fakhar, your biology teacher, Dilhor Garrison, Junior and Upper School. 10th class biology, chapter 14, reproduction. आज का हमारा टॉपिक है पार्थिनोजेनेसिस एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है. पार्थिनोजेनेसिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पार्थिनोजेनेसिस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप कंसीडर कर सकते हैं. इन इट इसमें होता क्या है, एन अनफर्टिलाइज्ड एग डिवेलप्स इनटू ए न्यू ऑफस्प्रिंग. एक अनफर्टिलाइज्ड एग से एक न्यू स्प्रिंग डिवेलप हो जाता है. जब फर्टिलाइजेशन होती है तो कुछ सेल फर्टिलाइज हो जाते हैं, यानी एग सेल फर्टिलाइज हो जाते हैं और कुछ एग अनफर्टिलाइज रह जाते हैं. जो फर्टिलाइज होते हैं उनसे भी आगे ऑफस्प्रिंग डेवलप करता है और जो अनफर्टिलाइज्ड हैं उससे भी एक ऑफस्प्रिंग डेवलप करता है. इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस. इसमें एग्जाम्पल्स हैं, सम फिशेज, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस. हम एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं. क्वीन हनी बी लेज एग इन द सेल्स ऑफ हनीकॉम्ब. जो क्वीन हनी बी है वो एग देती है हनीकॉम्ब छत्ते में. मैनी एग्स रिमेन अनफर्टिलाइज्ड. बहुत सारे एग उसमें क्या रह जाते हैं, अनफर्टिलाइज रह जाते हैं एंड डिवेलप इनटू हैप्लॉइड मेल्स. और वो आगे डिवेलप करते हैं एक न्यू ऑफस्प्रिंग में जिसे हम हैप्लॉइड मेल्स कहते हैं और उन मेल्स का नाम होता है ड्रोन्स बाय पार्थिनोजेनेसिस. जो अनफर्टिलाइज्ड होगा वो हैप्लॉइड होगा और जो फर्टिलाइज्ड कर जाता है उससे हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड सेल्स. एट द सेम टाइम सम एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय मेल बीज एंड दीज डिवेलप इनटू डिप्लॉइड फीमेल्स. और इनको फिर हम डिप्लॉइड कहते हैं और ये सारे फीमेल्स होंगी. फिर उनके नाम आएंगे न्यू क्वीन एंड वर्कर बीज, जिनमें क्वींस और वर्कर्स भी शामिल होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. व्हेन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट्स के कौन कौन से हैं, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. उनसे एक नया पौधा आगे बन जाए, एक नया प्लांट्स आगे ग्रो कर जाए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. इसकी टू टाइप्स हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. आज हम डिटेल से देखेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या होती है. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन अकर्स नेचुरली इन सेवरल वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बल्ब्स. बल्ब्स आर शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स दैट कंटेन स्टोर फूड. बल्ब्स छोटी अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जो सराउंडेड होते हैं थिक फ्लैशी लीव से. अगर हम डायग्राम पर थोड़ा सा फोकस करें तो ये देखें, ये आपको नजर आ रही हैं, ये रूट्स हैं, ये फ्लैशी स्केल्स लीव्स हैं. रूट्स इमर्ज अंडर द बेस ऑफ बल्ब. रूट्स क्या करती हैं, ये बल्ब की बेस से इमर्ज करती हैं. एंड शूट्स एंड वाइल शूट एमर्ज फ्रॉम द टॉप ऑफ द बेस. और जो शूट होती है वो टॉप ऑफ द बेस से क्या करती है, एमर्ज करती है. यानी इस तरफ से ये शूट हो गई और ये इसकी क्या हो गई, नीचे से रूट्स. फिर जरा इसको हमने ओपन किया हुआ बल्ब को तो इसकी ये आपको नजर आ रहे होंगे फ्लैशी स्केल्स लीव्स हैं. ट्यूलिप्स, ऑनियंस एंड लिलीज रिप्रोड्यूस बाय बल्ब्स. ये छोटा सा बल्ब्स के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था क्या होता है बल्ब्स. नेक्स्ट है कॉम्स. कॉम्स आर शॉर्ट एंड स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम कंटेनिंग स्टोर्ड फूड. ये छोटी और स्वेलन उभरी हुई अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जिसके पास क्या होती है, स्टोर्ड फूड होती है. बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ कॉम. ये बर्ड्स आपको नजर आ रही होंगे, ये जो उभार होते हैं ना इनको हम कहते हैं बर्ड्स. ये टॉप ऑफ द कॉम होती हैं. फ्रॉम ए बर्ड शूट ग्रोज एंड फॉर्म न्यू प्लांट. देखें अगर ये बर्ड है तो इसे ये शूट ग्रो करेगी और एक नया आगे पौधा बना देगी.
डेशीन एंड गार्लिक रिप्रोड्यूस बाय कॉम्स। डेशीन एक ट्यूबर है स्टार्ची, वो भी प्लांट्स की तरह ही होता है, डोरा प्लांट से हम उसे हासिल करते हैं, और दूसरे गार्लिक इसके एग्जांपल है। अब देखिए ये गार्लिक पे बर्ड्स बनती हैं, ये बर्ड्स फिर आगे रिप्रोड्यूस कर जाती हैं, इसके स्केल्स बनते हैं और इनसे फिर आगे एक नए नया गार्लिक बन जाता है, नया पौधा बन जाता है। राइजोम्स। राइजोम्स आर हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम विद स्केल लीव्स। राइजोम्स क्या होती हैं, ये हॉरिजेंटली फॉर्म में होती हैं। देखें आपको इस तरह हॉरिजेंटल नज़र आ रहा है, इस तरह वर्टिकल होता है और इस तरह क्या होता है हमारे पास हॉरिजेंटल। तो ये हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं विद स्केल लीव्स, ये लिखा हुआ है स्केल लीव, तो ये इसके ऊपर क्या बने हुए हैं, स्केल बने हुए हैं, ये सारे इसके ऊपर क्या बने हुए हैं आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, स्केल्स बने हुए हैं। देयर आर एनलार्ज्ड पोर्शंस कॉल्ड नोड्स ऑन राइजोम्स, और इनके ऊपर वो कहते हैं लार्ज पोर्शन होते हैं, नोड्स होते हैं। देयर आर एनलार्ज्ड पोर्शन कॉल्ड नोड्स और ऑन राइजोम्स। बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एट नोड्स, बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एट नोड्स, ये जो है किनारा यहाँ पे बर्ड्स बनती हैं, ये देखें ये लिखा हुआ उसने नोड्स, ये इसके ऊपर बर्ड्स बनेंगी, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये किनारों पे बर्ड्स बनती हैं। The bird present on the upper surface of rhizome give rise to shoot. फिर ये bird upper surface अगर present होगी, जैसे यहाँ पे bird है इस पर, तो ये एक पूरी new shoot क्या कर रही है, develop कर रही है। The lower surface of rhizome produce adventitious roots. ये upper surface shoot में बन रही है, और जिसकी lower surface है यहाँ पे देखें अगर diagram में आपको नजर आ रहा है, तो ये lower surface इसकी क्या बना रही है, सारी shoots बना रही है, ये सारी आपको shoots नजर आ रही है, ये सारी शूट्स हैं इसकी। जिंजर फर्न्स एंड वाटर लिलीज रिप्रोड्यूस बाय राइजोम्स, ये इसकी एग्जांपल्स में है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेम ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर्स आर द एनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स राइजोम्स। स्टेम ट्यूबर्स के एनलार्ज्ड पोर्शन, बहुत बड़े पोर्शन होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम में, इसकी एग्जांपल पोटैटो है। There are aggregations of tiny buds in the form of eyes along the surface of tuber. ये ट्यूबर की सतह पर आपको कुछ इस तरह नजर आ रहा होगा, इसको हम कह रहे हैं कि ये उसकी आइज हैं। देखें ये मेंशन भी किया हुआ उसने, ये इसकी क्या है, आइज हैं। Along the surface of tuber, each bud develop into shoot that grows upward and also produce roots. अब क्या होता है, ईच बर्ड डिवेलप्स इंटू शूट, हर बर्ड ये देखें ये आगे एक नया पूरी शूट बना देगी। ईच बर्ड डिवेलप इंटू शूट दैट ग्रोज अपवर्ड, जो क्या ऊपर की जाने मूव करेगी अपवर्ड, एंड आल्सो प्रोड्यूस रूट्स, और इससे रूट्स भी प्रोड्यूस होती हैं। पोटैटोज एंड याम्स रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर्स। पोटैटोज आलू को कहते हैं, याम्स शक्करकंदी को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सकर्स। सकर्स आर द लेटरल स्टेम्स क्लोज टू द ग्राउंड लेवल, ये लेटरली स्टेम होती हैं और ग्राउंड लेवल के करीब होती हैं। ए सकर ग्रोज अंडरग्राउंड फ्रॉम सम डिस्टेंस एंड देन टर्न अप प्रोड्यूसिंग द न्यू प्लांट। सकर ग्रो करती है जमीन के नीचे, ग्रो करती है, जैसे अगर हम इसको देख रहे हैं ये आपके पास है, ये सकर एक ऐसे समझ लें नहीं बन रही है, तो ये अंडरग्राउंड ही ग्रो करेगी। ए सकर ग्रोज अंडरग्राउंड फ्रॉम सम डिस्टेंस एंड देन टर्न अप प्रोड्यूसिंग द न्यू प्लांट, ये कुछ डिस्टेंस पर फिर अपना क्या कर देती है, एक नया पौधा प्रोड्यूस कर देती है, नया प्लांट्स बना देती हैं। मिंट एंड क्रेसेंथेमियम रिप्रोड्यूस इन दिस वे, मिंट हम पुदीने को कहते हैं और क्रेसेंथेमियम जो एक प्लांट्स है वो भी इसी तरह ग्रो करता है, उसमें बहुत ज़्यादा उसके नीचे रूट्स होती हैं। अब ये देखें सकर्स में हमने क्या पढ़ा, सकर्स आर लेटरल स्टेम्स क्लोज टू द ग्राउंड लेवल, ए सकर ग्रोस अंडरग्राउंड फ्रॉम सम डिस्टेंस एंड देन टर्न अप प्रोड्यूसिंग द न्यू प्लांट। अब ये सक्कर है, यहाँ से ये थोड़ा सा अंडरग्राउंड लेवल पे होगी और ये टर्न किया थोड़ा सा ऊपर जाकर उसने एक अपना क्या बना दिया, नया प्लांट्स ग्रो कर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, सक्कर्स। लास्ट टाइप हमारी है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, होती किस तरह है, ये प्लांट्स में लिखा हुआ है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय लीव्स, ये असल में लीव्स की हेडिंग है। इज नॉट कॉमन एंड इन सीन इन प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइलम, इस ब्रायोफाइलम पौधे को हम पत्थर चट कहते हैं। दिस प्लांट हैज फ्लैशी लीव्स एंड एडवेंटिशियस बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स,
व्हेन लीव फॉल ऑन ग्राउंड द बर्ड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब एक ये पत्ता पत्ते से आगे वो कहता है पूरे नए नए प्लांट्स बन जाते हैं। ये गिरता है अलहदा होता है, पत्ता सेपरेट होगा, इसके ऊपर से फिर क्या बनेंगी, यहाँ पे बर्ड बनेंगी और बर्ड फिर आगे क्या कर देंगी, नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर देंगी। इस तरह हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय लीव्स। ये ज़्यादा कॉमन नहीं देखा गया प्लांट्स में, लेकिन ये पत्थर चट इस पौधे में होता है, इसके ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो सकती है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।